हाँ तो दोस्तों बात करते हैं वारेन हास्टिंग की, जो भी आया लॉर्ड क्लाइव के पास। लॉर्ड क्लाइव के पास आया, उसके बाद उसने कहा कि आपकी कार्यकाल खत्म हो चुकी है, एंड हो चुका है आपका सेमेस्टर, अब आप जाइए 1772 में वापस इंग्लैंड। तो वो चला गया इंग्लैंड। अब ये घोड़े पर सवार होके किसको क्लाइम करके, अगर याद रखना है तो हम याद रख सकते हैं कि ये आता है क्लाइव, जो लॉर्ड क्लाइव था इसको क्लाइम करता है, और उसके बाद घोड़े पे चढ़ के ये आता है इंडिया, इंग्लैंड से। ओके, अब यहाँ आते ही कहता है कि भाई मैं तो वारेन हास्टिंग हूँ, ठीक है, तो मैं अपने तरह से काम करूंगा और अपना अलग एक्ट बनाऊंगा। तो ये क्या करते हैं, आते ही यहाँ पे कहते हैं मैं बॉस हूँ, जो ड्यूअल गवर्नमेंट की रूल थी उसको पहले एंड करो। तो जो ड्यूअल गवर्नमेंट था रूल, उसको एंड कर दिया इन्होंने 1772 में, जो कि शुरू किया गया था क्लाइव के द्वारा। ओके, तो ये काम इन्होंने पहले किया। फिर इसके बाद कहा कि जब मैं गवर्नमेंट बनी गया हूं, मैं सरकार में हूं ही, और गवर्नर ऑफ बंगाल भी बन चुका हूं, गवर्नर ऑफ बंगाल भी बन चुका हूं, तो क्यों ना बंगाल में कुछ अच्छी काम की जाए। ओके, तो इन्होंने फिर वहां पे कहा कि चलो मैं अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ इन्होंने खोल दिया वहां पे बंगाल में, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद कहा कि चलो जब 1774 में इन्होंने खोला था सुप्रीम कोर्ट, ओके, और उसके बाद सोचा कि जब सुप्रीम कोर्ट खुला है तो भाई कुछ पढ़े लिखे आदमी भी तो चाहिए, तो कहा कि चलो मदरसा खोलते हैं। तो मदरसा खोल दिया इन्होंने। ओके, तो मदरसा खोलने के बाद कि वहां रुके नहीं, उसके बाद कहा कि चलो मेरे रीजन में कुछ तो होना चाहिए जो वार बार याद रखा जाए, तो ये एंग्लो वार कर लेते हैं। एंग्लो मराठा वार आपने सुना होगा, वो होता है वारेन हास्टिंग साहब के रीजन में। ओके, तो ये एंग्लो वार करते हैं, और एंग्लो वार में ये मराठा जो रहते हैं उनको हराते हैं और फिर वहां पे कब्जा कर लेते हैं। ओके, तो ये एंग्लो वार किसके रीजन में हुआ, वारेन साहब के रीजन में। अब ये जैसे कि इनका नाम है हास्टिंग, तो आपको पता होगा कि हास्टिंग वाले जो हैं वो हंसते बहुत हैं, हस्टिंग यानी कि हसमुख, और हसमुख लोग अगर घूस के मामले में देखा जाए तो हंस हंस के घूस लेते हैं, घूस यानी ब्राइब। ओके, तो इनको इम्पीच भी किया गया था, अगर आप घूस लेते हुए पकड़े जाएंगे तो आपको इम्पीच सजा भी मिलेगी, तो इनको इम्पीचमेंट भी सहना पड़ा था इंग्लैंड की सरकार की तरफ से। क्यों, क्योंकि इंग्लैंड को जो सरकार गवर्नमेंट थी उनको पता चला था कि जो चैत सिंह है, राजा चेत सिंह, इनसे ये घूस लेते हैं, उनके किंगडम जो बनारस के राजा थे ये, ओके, इनसे ये घूस लेते हैं और उनके राज्य को थोड़ा सा प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं। तो ये इन पे बात साबित हुई वारेन साहब पे कि ये भाई आप घूस लेते हो, आपको इम्पीच किया जाएगा। तो ये कहते ठीक है, आप मेरे ऊपर कार्रवाई कर लिया कीजिए, मेरा कार्यकाल एंड कर दीजिए। तो वो 1785 में इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, और यहां से ये चले जाते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड में इनके ऊपर मुकदमा चला जाता है, और मुकदमे में ये हो जाते हैं निर्दोष साबित। ओके, तो मुकदमे में निर्दोष साबित होके ये छूट जाते हैं, ठीक है। तो इनकी ये कहानी थी। इन्होंने एक और काम किया था, क्या, इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था भगवद गीता का, और इन्होंने हेल्प लिया था चार्ल्स विल्किंसन का, विल्किंस, ओके, विल्किंस का हेल्प लिया था इन्होंने। इसमें इनका कंट्रीब्यूशन क्या था कि इंट्रोडक्शन पेज जो है, इंट्रोडक्शन पेज वो इन्होंने उसमें लिखा था। तो जो भगवद गीता का इंट्रोडक्शन पेज था वो लिखा था वारेन हास्टिंग ने, इसीलिए इनका नाम है उस समय। तो इनकी टोटल कार्यकाल में क्या क्या हुआ, मदरसा बनवाया इन्होंने, भाई अब ये सरकार में आ गए थे तो इन्होंने कहा मेरी गवर्नमेंट चलेगी, हम क्लाइव को चढ़ के आए हैं, क्लाइव के बाद आए हैं, तो हम ड्यूअल गवर्नमेंट को खत्म कर देंगे, एक ही राजा होंगे। फिर इन्होंने कलेक्टर का पोस्ट बनाया कि कलेक्टर जो मेरे सारे हैं वो क्या करेंगे, रिवेन्यूज वाले ये सब जो काम है वो थोड़े बहुत देख लेंगे। ओके, देन उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट था उसको बनाया, फिर मदरसा बनाया इन्होंने, तो पढ़ने के लिए और सजा देने के लिए दोनों काम इन्होंने कर दिया। तो ये इनके कारनामे थे। अंतिम में एक नजर में देख लेते हैं वारेन हास्टिंग ने क्या क्या किया था। तो वारेन हास्टिंग इम्पीच्ड हुए थे, इम्पीच्ड हुए थे तो क्यों हुए थे, क्योंकि चैत सिंह से इनका लेना देना था,
क्या केस था? तो ब्राइब का केस था। ओके, ब्राइब के केस था, इसलिए इनको इम्पीच होना पड़ा। अब वारन हास्टिंग ने एक ड्यूअल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की थी, क्यों की थी? क्योंकि ये क्लाइव का क्रिएशन था, लॉर्ड क्लाइव ने इसे फॉर्म करके गया था 1772 में। इसने 1772 में 1772 में इसे चेंज किया वारन हास्टिंग ने, और कहा कि ड्यूअल गवर्नमेंट नहीं होगी, सिंगल गवर्नमेंट होगी, और ये जो थे वो थे गवर्नमेंट गवर्नर ऑफ बंगाल। ओके, बंगाल के गवर्नर थे। इन्होंने एक और काम किया, भगवद गीता को ट्रांसलेट किया। इसमें इनका कंट्रीब्यूशन क्या था? इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट को इन्होंने लिखा था। किसके मदद से? चार्ल्स विल्किंस के मदद से। इसमें एक और काम इन्होंने किया कि एशियाटिक सोसाइटी के फाउंडर बने बंगाल के, बंगाल का जो एशियाटिक सोसाइटी था उसके फाउंडर बने। किसके साथ मिलके? विद द हेल्प ऑफ विलियम जोन्स। जोन्स के साथ मिलते हैं और उसका फाउंडेशन करते हैं। फिर एंग्लो मराठा वार में भी इनकी हिस्सेदारी रहती है। तो ट्रीटी ऑफ सालबाई उसी के थ्रू होता है, जो कि 1782 में होता है। ये बनाते हैं सुप्रीम कोर्ट और मदरसा, इसको ये बनाते हैं 1774 में और 1781 में। 1785 में इनको बुला लिया जाता है, क्यों? क्योंकि चैत सिंह वाला कांड हो गया रहता है, घूस वाले मामले में ये फंस गए होते हैं। ओके, तो जो ब्राइब का केस था उसके चलते ये फंसे होते हैं। एंड ही इज द ओनली वन, एक ही गवर्नर ऑफ जनरल है या फिर वायसराय जो भी है, अगर टोटल कार्यकाल में जितने वायसराय हुए, गवर्नर जनरल हुए, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो एक ही ये बना बंगाल का, तो इसने क्या किया? पहला ही एक इकलौता है जो कि इम्पीच्ड हुआ। ओके, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट क्या होता है? किसी को हटाना उसकी पोस्ट से किसी चीज में लिप्त होने के दौरान। जैसे कि अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करके ही हटाया जा सकता है, इट मीन्स अगर उनको हटाना है तो जो एमपी एमएलए है वो एक लाएंगे कि हमको ये पसंद नहीं है या फिर इन्होंने ये किया है, सब अपने वोटिंग्स देंगे और उसके द्वारा इम्पीच होके वो हटेंगे। तो ये एक प्रोसेस है। ये टोटल कार्यकाल था वारेन हास्टिंग का 1772 टू 1785। एक लाइन में ये आप समझ सकते हैं। अगर स्टोरी लाइन में आप इसे देखें तो हम कह सकते हैं कि एक राजा घोड़े पे आता है लॉर्ड क्लाइव को क्लाइम करके, और उसके द्वारा बनाए गए ड्यूअल गवर्नमेंट को वो बंद कर देता है। कहता है मेरी सरकार यहाँ पे चलेगी, मैं यहाँ का बॉस हूँ। बॉस होने के बावजूद वारेन हास्टिंग कहता है कि मैं बनाऊंगा एक सजा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट, और लोगों को मैं पढ़ाऊंगा भी, उसके लिए मैं बनाऊंगा मदरसा। इसके बाद कहता है कि अच्छे चलो, जब इतना कुछ हो गया तो लड़ाई का भी एक दो मुद्दा होना चाहिए। तो ये एंग्लो मराठा वार में पार्ट करता है। एंग्लो मराठा वार में ये वहां पे जीतता है और फिर वहां पे ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ सालबाई। ओके, फिर ये जब लास्ट में जाते रहता है तो एक चीज ये और अच्छा काम करता है, जो भगवत गीता रहती है इंडिया की, उसको ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है, ताकि इसके लोग थोड़े से एजुकेट हो सकें, क्योंकि उतनी बुद्धि इनमें नहीं थी कि ये समझदार बने। और भगवत गीता इसका बहुत बड़ा उदाहरण था कि उनको एज ए नॉलेज प्रोवाइड करता। तो वारेन हास्टिंग ने कन्वर्ट किया भगवत गीता को चार्ल्स विल्किंस के मदद से। एशियाटिक सोसाइटी जो थी बंगाल की, उसके फाउंडर बने विलियम जोन्स की हेल्प से। तो ये टोटल कार्यकाल था वारेन हास्टिंग का। अगर आपको ये पसंद आया कि कैसे ये इम्पीच्ड हुए, कैसे ड्यूअल गवर्नमेंट कैसे घोड़े पे आया, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये सीरीज जारी चाहिए। इसमें हम लोग सारे गवर्नर जनरल और वाइसराइज के कार्यकाल को देखेंगे कि किसने क्या किया। इस तरीके से होगा क्या कि जब आप याद करने बैठेंगे तो हास्टिंग यानी हंसता था, हंसता था तो क्या होगा? घूस लेगा, बिकॉज बहुत हंसमुख है लेकिन अंदर से क्रूएल है। घूस लेगा, घूस लेगा तो इम्पीच्ड होगा। घूस क्यों लिया? क्योंकि वो बनारस के राजा चैत सिंह को फेवर करता था। इम्पीच्ड हुआ लेकिन उसमें निर्दोष साबित हो गया। अब जैसे कि ये पहली बार आया तो किस पे आया? हमने देखा घोड़े पे आया। घोड़े पे आया तो ये क्या किया? क्लाइव को क्लाइम करके आया, चढ़ के आया। कब आया? 1772 में आया। क्या किया इसने कि भाई अब हम गवर्नमेंट में हैं, मेरी सरकार है, तो हम ड्यूअल गवर्नमेंट को खत्म करेंगे, एक ही गवर्नमेंट होंगे और हम ही हैं। तो ड्यूअल गवर्नमेंट किसने किल कर दिया। फिर इसने कहा कि भाई लड़ाई झगड़े भी होने चाहिए, हंसते हैं तो क्या मेरी भी तो थोड़ी सी पावर होनी चाहिए ना। तो एंग्लो मराठा वार कर लिया इन्होंने। मराठा वार में इन्होंने ट्रीटी ऑफ सालवाई कर ली। ओके, फिर कहा कि चलो विलियम जोन्स हैं, उनके साथ मिलके एक एशियाटिक सोसाइटी की
फाउंडेशन कर देते हैं। तो बंगाल में वो भी कर दिया, कहा कि भाई जब इतने इल्जाम मुझ पे लगी गए हैं तो थोड़े से पुण्य का काम तो और कर लें। तो इंग्लिश में इन्होंने भगवद गीता को ट्रांसलेट कर दिया। तो ये थी स्टोरी वारेन हास्टिंग्स साहब की। नेक्स्ट अपनी स्टोरी होगी कॉर्नवालिस के ऊपर। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि सिर्फ माइंड में से पढ़ना है या फिर टोटल स्टोरी मोटिव लेके चलना है। बट चॉइस आपकी होगी, आप लोग चुन सकते हैं आपको क्या लेके चलना है। तो दोनों को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, टेक केयर, जय हिंद।